नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। कि हमें समय से दाम मिल जाएगा, दाम यानी कीमत, हमें कीमत मिल जाएगी। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर यानी यात्री उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित यानी सही स्थान लेगा और व्यर्थ यानी बेकार का शोर न मचाएगा, न और प्रकार के से तंग करेगा। तंग करना यानी परेशान करेगा। सड़क पर चलने वाले का यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का ना देगा, व्यर्थ यानी बेकार में धक्का मुक्की नहीं करेगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालात यानी स्थिति में वापस करेगा, इत्यादि। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को एक दूसरे पर जो विश्वास होना चाहिए, विश्वास की डोर है जो एक दूसरे को बांधे रखती है, यहाँ पर पूरी तरह से लोगों का एक दूसरे पर अविश्वास है, अर्थात भरोसा नहीं है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि रेलगाड़ी पर चलने वाला यात्री है, जब अपने स्थान पर बैठने के लिए जाएगा तो उसे यह भरोसा नहीं है कि उसकी जगह पर कोई दूसरा स्थान व्यक्ति बैठा होगा या उसे सही स्थान मिलेगा या नहीं। पर जो अंदर बैठा मुसाफिर यात्री है, उसे ऐसा लगता है कि आने वाला जो यात्री है, क्या वो सही स्थान पर बैठेगा, क्या वो बेफालतू को शोर शराबा नहीं करेगा, या उसे किसी प्रकार से तंग तो नहीं करेगा, परेशान तो नहीं करेगा। उसी तरह से सड़क पर चल रहा व्यक्ति है, उसके आगे हाथ में छाता लिए व्यक्ति चलता है, तो उस पीछे वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं है कि शायद इसने अपने छाता इस तरह से खोला और उसकी नोक है उसकी आँख में चली गई। तो पीछे आने वाले व्यक्ति को उसके पीछे आने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं है कि शायद पीछे से आकर कोई मुझे धक्का दे देगा। तो एक दूसरे के विश्वास जो कि डोर जो है वो धीरे धीरे वो टूटती चली जा रही है। यहाँ तक कि केले, नारंगी के छिलके हैं, सुई है, जो पिन है, हम सड़क पर ऐसी जगह पर नहीं छोड़ देंगे जिसके कारण दूसरों को कष्ट पहुँचे। हम किसी के कष्ट का ख्याल ही नहीं रखते हैं। और यहाँ तक कि हम क्या करते हैं, जब किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो हम उसकी चीज़ तो लेकर आ जाते हैं, परंतु हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपनी वस्तु समझकर नहीं। हम क्या सोचते हैं कि अरे मेरी थोड़ी है, किसी और की तो है, जैसे तैसे उस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं और उसे वापस छोड़ देते हैं। यदि वो हमारी चीज़ होगी तो क्या हम उसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम ऐसा ना करके हम उनके विश्वास को तोड़ते चले जा रहे हैं। हम केवल अपनी तात्कालिक मतलब तुरंत की सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना हुआ समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अपृष्य मतलब अछूत हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देश की जितनी सुविधाएं हैं ये हमें तुरंत के तुरंत चाहिए, और ये संसार जो है, ये दुनिया है, हमारे आराम के लिए ही है, हमें जब जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। परंतु हम यह नहीं समझते कि जिस तरह यह दुनिया हमारे आराम के लिए बनी हुई है, उसी तरह दूसरों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारी कोई जिम्मेदारी है, इस बात का हम अनुभव ही नहीं करते। इसी कारण क्या होता है कि हर एक व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति अविश्वास जन्म लेता है और हम उससे
अछूते होते चले गए हैं, हम अपने धार्मिक आदेशों को भूल गए हैं, अर्थात हम अपनी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व को तो समझते ही नहीं हैं। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम यानी नज़दीकी अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना है। श्रम यानी मेहनत का महत्व क्या होता है, इस बात को हम नहीं पहचान पाए हैं। मेहनत करना है तो हमने भूखमरों का काम समझ रखा है। भूखमरे मतलब जो भूख के लिए कार्य करते हैं उन्हें भूखमरे कहते हैं। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। बड़े लोगों का काम तो को की जगह क्या है बच्चों, तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी हैं। परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरंभ शुर यानी आरंभ करने की शुरुआत तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण ना हम अपने रोजगार में और ना अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने झीकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। काया पलट करना अर्थात पूरी तरह से परिवर्तन कर देना या बहुत बड़ा परिवर्तन करना। हम लोग बड़े आलसी हैं। यहाँ पर लेखक के तीसरे मित्र एक महिला थी। जब लेखक ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, क्योंकि वह भारत में काफ़ी समय से रह रही थी, साथ साथ में उन्हें अनेक कार्यक्षेत्र का अनुभव था, क्योंकि वह असहयोग आंदोलन में यहाँ पर रहकर जेल भी जा चुकी थी, जिसके कारण बहुत सारे भारतीय लोग हैं उनके संपर्क में आए थे और उनके कारण उन्हें उनका अनुभव प्राप्त था। इसीलिए उन्होंने उत्तर क्या दिया कि तुम लोग बड़े आलसी हो, आलसी अर्थात कामचोर हो। हकीकत में परिश्रम का क्या महत्व होता है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। परिश्रम, हमने क्या सोचा कि मेहनत कौन इंसान करता है जो भूखों मरता है, अर्थात जिसे खाना नहीं मिलता है, ऐसे भूखमरे लोग हैं ना, वही मेहनत करते हैं और मेहनत करके पेट भर अनाज प्राप्त करते हैं। हमारा मानना यही है कि भूखमरा इंसान ही मेहनत करता है। हकीकत में इससे परिस्थिति पूरी तरह से उल्टी है। बड़े लोग हैं उन्होंने केवल बैठे रहना ही नहीं समझा है। आज हमारे समाज में बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, वो केवल बैठे रहने से ही बड़े नहीं बन गए हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है। उन्होंने परिश्रम के महत्व को समझा है तब कहीं जाकर वह इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज उनकी सफलता उनके कदम चूम रही है। परंतु हम क्या करते हैं, हम मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सफलता हमें प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम क्या करते, कोई भी कार्य की करने की शुरुआत तो कर देते हैं परंतु उस कार्य को पूरे मन से, लगन यानी हम पूरे मन से नहीं करते हैं। तो उससे होता क्या है कि हम अपना जो रोजगार अर्थात जो हमारी रोजी रोटी है और जो हमारे गृहस्थ जीवन है, जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें हम सफल नहीं होते हैं और जिसके कारण हम सारा का सारा दोष है हम दूसरों पर डालते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और समय हमारे हाथ में से निकलता जाता है और हम सोचते यदि हमें ऐसा मिलता तो हम ऐसा करते और हमारा देह धीरे धीरे समय निकलता चला जाता। यदि हम उन सब को रोना चीखना चिल्लाने को छोड़कर हम सारा का सारा अपना ध्यान अपना कार्य
हम उस काम पर लगाए जिससे हमें दिया गया है, और यदि हम पूरे तन्मयता से उस कार्य को करेंगे तो हम अपनी और अपने देश की काया को पलट सकते, अर्थात बड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु हम लोग तो बहुत बड़े आलसी हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध यानी ख्याति थी उनकी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही यानी दादी के समान, तुल्य यानी के समान थी। उनको भी मैंने तंग किया। तंग करना मतलब परेशान करना। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए, विविध यानी अनेक प्रकार की। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है, अर्थात हमारा अवगुण या हमारी गलती क्या है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती है। थोड़े में उनका उत्तर था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता अर्थात उदार होने का जो भाव होता है वह तुम लोगों में नहीं है। विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता मतलब अपना टैलेंट, अपनी कुशलता दिखाने का मौका यानी अवसर नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक ही थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए मतलब समाप्त हो गए, खत्म हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या को साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ लुप्त हो गई हैं। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता मतलब मुकाबले की भावना हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक, भीषण दिख पड़ते हैं कि चित्त यानी मन व्याकुल यानी अधीर, बेचैन हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। चौथी लेखक की चौथी वृद्ध महिला थी, स्त्री थी, वह बहुत ही ज़्यादा ख्याति नाम थी। जब लेखक उनके संपर्क में आते हैं तो उनसे भी वही प्रश्न पूछते हैं जो उन्होंने अपने 3 अन्य मित्रों से पूछा था कि हमारे देश की प्रगति, हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही, हमारे में कौन सी गलती है, हमारे में कौन सा दोष है जिसके कारण हम अपने देश को प्रगति के पथ पर नहीं लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों में उदारता का गुण नहीं है, अर्थात तुम व्यक्तियों में उदारता की भावना अर्थात उदार होने का जो भाव है वह तुम लोगों में नहीं है। इसका कारण उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति है वह स्वयं को आगे रखना चाहता है, वो नहीं चाहता, स्वयं मतलब खुद को, वो नहीं चाहता कि उसके पीछे वाला या उससे छोटा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए। इसलिए वह हमेशा यही कार्य में रत रहता है कि वह अपने से किसी को आगे कैसे न निकलने दे, इसी कार्य को करने में सतत लग्न रहता है। यहाँ तक कि एक यदि कोई नवयुवक आता है, युवा वर्ग आता है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है, वह गुणी होता है, तो वह व्यक्ति को मौका ही नहीं दिया जाता है कि वह अपनी योग्यता को साबित कर सके। और होता क्या है कि उनका स्वयं का काम खराब हो जाता है। और सचमुच उस वृद्ध महिला ने जो कहा था वो सही हकीकत ही है। यहाँ तक कि पिता है अपने पुत्र को कोई भी घर का कार्य नहीं सिखाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वह पुत्र को सब कार्य सिखा देगा तो उसके घर के अंदर उसका वर्चस्व कम हो जाएगा। अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपनी योग्यता अर्थात जो उनके अंदर गुण है वह गुण अपने बच्चों को नहीं सिखाते। और होता क्या है कि जिसके कारण पूरा का पूरा परिवार है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े हमारे देश में ऐसे महान व्यक्ति हैं, उनके अंदर इतने ज़्यादा गुण भरे हुए हैं, उनके अंदर तरह तरह की विद्याएं हैं, परंतु वह अपने से छोटों को उन विद्या को और उन गुण को नहीं सिखाते हैं, जिसके कारण क्या होता है,
हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति अर्थात हानि होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति मर जाते हैं उनके साथ ही उनकी विद्या और उनके गुण हैं वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाते। और होता क्या है, आज हमारे देश में अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार हैं और औषधियां हैं जो हमारे पूर्वज हमारे बड़े जानते थे, परंतु हमें ना सिखलाए जाने के कारण आज वो सब धीरे धीरे इस देश में से समाप्त होता जा रहा, लुप्त होता जा रहा। आज हम लोगों के अंदर पेशे अर्थात हमारी नौकरी के अंदर इतना ज़्यादा मुकाबला, इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को कोई भी काम सिखाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि हम अपने कार्य को तो सही ढंग से करते नहीं हैं परंतु दूसरों को भी नहीं करने देते। और आज आप देखो तो चारों तरफ इतना भयानक चित्र दिखाई दे रहा है जिसके कारण मेरा मन व्याकुल हो जाता है और साथ साथ हमारा पूरा का पूरा काम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है जिसके कारण हम तो प्रगति के पथ पर नहीं जाते हैं परंतु हम अपने देश को भी प्रगति के पथ पर जाने से रोकते हैं या हम उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम ना उठाकर, उपयुक्त यानी सही काम ना उठाकर, अपने काम में गर्व ना रखकर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का को ना अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील यानी ब्यौरा को समझकर, उसमें दत्त चित्त यानि मन लगाकर होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं ना कर और उदहर्ता के साथ उसे दूसरों को ना सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया, उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य को जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनकी जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म का इतिश्री यानी समाप्त समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते, यानी संगठन करना मतलब एकत्र करना। यही कारण है हम वहीं के वहीं हैं या वहाँ के वहाँ हैं। संसार वेग यानी गति से चला जा रहा है। हम तटस्थ यानी अकेले एकदम निर्विकार हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे, दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद ही कुछ नहीं करना चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने से नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं तो हम किसी भी देश भक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित यानी तंग छोटा ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी दर्जी किसान मजदूर दुकानदार पहरेदार गांव शिक्षक ही क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में के संगठित होते ही हमारा सारा देश मनुष्य समाज स्वतः ही संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं, नहीं और नहीं। इस परिच्छेद में लेखक ने यह बताया है कि उनके चारों मित्र ने एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि आप में उदारता नहीं है, किसी ने कहा आप अपने काम में गर्व नहीं लेते, तो किसी ने कहा
आप आलसी है, तो किसी ने कहा कि आप लोग कोई भी कार्य है वह सही ढंग से नहीं करते हैं, या अर्थात अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। जब लेखक ने उन सभी के प्रश्नों के उत्तर सुने, उस प्रश्न के उत्तर सुने चारों व्यक्तियों से अलग अलग, तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, और वह निष्कर्ष यह है कि एकमात्र हम अपना दोष ना देखकर हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, और साथ साथ हम नागरिक हैं जो देश के मूलभूत अधिकार और कर्तव्य है, अर्थात हमारी जो फर्ज है हम पूरी तरह से उन्हें भूल गए हैं। हमारे देश में कोई बड़ा नेता या कोई ऐसा योग्य युवक होता है जो सचमुच अपनी योग्यता साबित करता है, तो हम उसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते, जिसके कारण हम अपने देश को प्रगति के पथ पर नहीं लेकर जा सकते। हम महान बड़े लोगों की मूर्ति की स्थापना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसी में अपने कार्य की समाप्ति की घोषणा कर देते। हकीकत में मूर्ति की स्थापना करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उस महान व्यक्ति के द्वारा कहे गए वाक्यों को, उनके आदर्शों को हमें हमारे जीवन में पूरी तरह से उतारना होता है, तो ही हम उस कार्य को सही अंजाम दे सकते हैं। बल्कि हम तो दूर खड़े होकर, तटस्थ होकर इस कार्य को देखते रहते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमें देश के लिए ऐसा करना चाहिए, हमें देश के लिए ऐसा करना चाहिए। हकीकत में यदि हरेक नागरिक, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, मतलब छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, जिसे जो काम सौंपा गया है या स्वयं जिसने उस कार्य को करने की जिम्मेदारी ली है, चाहे वो मजदूर, दर्जी, गांव का शिक्षक, कोई भी हो, यदि हर एक व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेगा, पूरी निष्ठा से करेगा, पूरे लगन से करेगा, तो वह व्यक्ति अपने आप अपने व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा। यदि वह व्यक्ति अपने आप में निखार लेगा तो स्वाभाविक है देश है वो जगमगा उठेगा और मानव समाज है अपने आप ही संगठित होता चला जाएगा। हमारे देश में केवल ऐसे नागरिकों की ही ज़रूरत है, बाकी किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसे नागरिक हमारे देश में आ जाए तो हमारा देश स्वतः ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होता चला जाएगा। पूरे लेखक ने पूरे पाठ का निष्कर्ष यही निकाला है और वह हमें यही बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने द्वारा लिया गया या उस किसी के द्वारा दिया गया कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे। इसके लिए हम स्वयं देशभक्त, अपने आप ही हम देश के भक्त बन जाएंगे, इसके लिए हमें किसी प्रकार और देशभक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।